आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जीत की हैट्रिक के लिए सीएम केजरीवाल ने भरा नामांकन, नामांकन से पहले किया रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का बड़ा बयान, कहा मुस्लिम भाइयों की अपील पर बनाई शिवसेना के साथ सरकार। राजस्थान के चूरू में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौके पर मौत, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जताया शोक। और सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार खुला रिकॉर्ड स्तर पर, निफ्टी पहुंचा 12,000 के पार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के इरादे से आज नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले आज रोड शो किया। केजरीवाल ने आज से 5 साल पहले भी इसी दिन अपना नामांकन दाखिल किया था। इसे महज एक संयोग कहें या कुछ और कि राजनीति में आने के बाद आखिरी दिनों में ही अरविंद केजरीवाल अपने नामांकन का पर्चा भरने निकलते हैं। साल 2013 में 16 नवंबर और 2015 में 21 जनवरी को पर्चा भरा था। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय केजरीवाल के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ रहे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण ने संशोधित नागरिकता कानून को राज्य में लागू नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार है तब तक राज्य में CAA 2019 लागू नहीं होने देंगे। चव्हाण ने इसके साथ ही कहा कि सरकार में हम बीजेपी को हटाने के लिए शामिल हुए हैं। चव्हाण ने अपने बयान से इशारों में कहा कि वे मुस्लिम भाइयों की अपील पर सरकार में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों ने कहा बीजेपी हमारी दुश्मन है, अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को सरकार में शामिल होना चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने CAA को लेकर कहा था कि हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम CAA को महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का साझा बयान जारी होगा। थोराट ने कहा कि अदालत का फैसला आने तक हम इंतजार करेंगे। राजस्थान के शेखावाटी इलाके में आज घने कोहरे के कारण एक तेज रफ्तार कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा चूरू में सालासर के पास न्यामा गाँव के पास नेशनल हाईवे 58 पर हुआ। ट्रक और कार के बीच भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 8 लोगों में से 7 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सालासर पुलिस मौके पर पहुंची और एक घायल को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते और पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर पार्टी के रुख से अलग हटकर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक देश में आप नागरिकों के ऊपर कोई कानून नहीं थोप सकते हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सुझाव दिया है कि हमें यह बताना चाहिए कि यह कानून धार्मिक उत्पीड़न का शिकार रहे लोगों के लिए है। सीके बॉस ने CAA पर कहा, एक बार यदि कोई विधेयक कानून के तौर पर पारित हो जाता है तो राज्य सरकारें उसे मानने के लिए बाध्य हो जाती हैं। यह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में आप देश के नागरिकों पर कोई भी कानून नहीं थोप सकते हैं। भले ही नागरिकता संशोधन कानून पर देश की राजनीति में घमासान मचा हो, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी साल अपने 3 एजेंडे को हर हाल में पूरा करना चाहता है। संघ की इच्छा इसी साल हर हाल में धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू करने की है। संघ का मानना है कि भले ही CAA, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर घमासान दिखता हो, मगर देश का बहुसंख्यक इसके पक्ष में है। दरअसल बीते साल संघ के 3 अहम एजेंडे को मोदी सरकार ने अमलीजामा पहनाया। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद सरकार ने CAA बनाया। बीते साल ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। अब इस साल संघ की योजना हिंदुत्व से जुड़े 3 मुद्दों को हर हाल में अमलीजामा पहनाने की है। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई वाले रामालय ट्रस्ट ने राम मंदिर पर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या एक्ट के तहत राम मंदिर निर्माण में देश के 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और 13 अखाड़े ही प्रभु राम का शास्त्रोक्त मंदिर से लेकर पूजा विधान आदि का नीति निर्धारण करेंगे। इसका क्रियान्वयन महंत नृत्य गोपाल दास की अगुवाई में कार्यकारी मंडल करे। रामालय ट्रस्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी। कार्यकारी मंडल सरकार अपने हिसाब से तय करे, चाहे तो विहिप के संत संघ सरकार व प्रशासन की टीम बना ले, लेकिन यदि शीर्ष संतों की उपेक्षा करके राम मंदिर बनाने की रणनीति बनी तो शंकराचार्यों, वैष्णवाचार्यों व अखाड़ों के साथ मिलकर विरोध होगा। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित दिल्ली परिवहन विभाग के कार्यालय में आज सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य कर रही हैं।
हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग भीषण रूप में लगी थी, लेकिन अब तक क्या नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश सिंह अंगड़ी जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जयपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और जयपुर रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था को उत्कृष्ट बताते हुए कहा कि इस तरह की सफाई व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए और इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा के अनुसार मंत्री सुरेश सिंह अंगड़ी के साथ रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्टेशन संचालित यात्री सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रामपुर पहुंचे और रामपुर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने कुछ खास लोगों से बात की। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बीच उनसे मिलने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी थी, लेकिन समय कम था और मोहन भागवत मीडिया से भी बचते नजर आए। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की और विश्राम गृह से सीधे ट्रेन में बैठे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बीच जिला प्रशासन ने भी काफी कड़े बंदोबस्त किए थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक नाबालिग किशोरी से सामूहिक बलात्कार के मामले की गुत्थी अभी तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। पूरा मामला रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 14 जनवरी को नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था, लेकिन पीड़िता द्वारा भिन्न भिन्न बयानबाजी के चलते पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई थी। वहीं पीड़िता के लगातार बदलते बयान यह बयां करते हैं कि उस पर या तो किसी का दबाव था या कोई ऐसा खौफ था जो उसे डराए हुए था। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अब 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। हाँ, पटवाई क्षेत्र की एक पीड़िता ने आज शिकायत की थी। इस सूचना पर मैं भी और एएसपी साहब भी गए थे। महिला ने और उसके पिता ने ये बताया कि शहजाद नगर क्षेत्र में तुमड़िया भट्टे पर वो काम करते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। उनसे जो तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है। विवेचना की जा रही है। 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने अभियोग लिखाया है। हाँ, चूंकि 3 लोगों के खिलाफ है तो 376 DIPC में अभियोग पंजीकृत है और उसी में विवेचना की जा रही है। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से रामपुर की तरफ से मुरादाबाद की ओर जा रहे एक ट्रक में आग लग गई। हादसे की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसा। आग लगने के बाद ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस संबंध में फायर ब्रिगेड टीम में तैनात कुलवंत सिंह ने बताया, आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। आग ट्रक के पेड़ में टकराने की वजह से लग गई थी। वहीं इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये तो ट्रक आ रहा था इस रामपुर की तरफ से, इसमें कपड़े की कांटे भरी हुई है। ये पता नहीं टक्कर मार के लोग भाग गए हैं और उसके बाद कोई ड्राइवर नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है और इस समय आग पर काबू पा लिया गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 201.41 अंक यानी 0.48% की बढ़त के बाद 42,146.78 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 47 अंक यानी 0.38% की बढ़त के बाद 12,399.35 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो पावर ग्रिड, यस बैंक, HCL, टेक, HDFC, इंफ्राटेल, जी लिमिटेड, SBI, इंडसइंड बैंक और एशियन पेंट्स के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं IOC, TCS, विप्रो, भारतीय एयरटेल, ONGC, ग्रासिम, कोल इंडिया, NTPC, बजाज ऑटो और नेशनल इंडिया के शेयर लाल निशान पर खुले। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।